हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। आज हम लोग जहाँ से हमने छोड़ा था ना, उसके आगे से ही पढ़ेंगे बेटा, उसके आगे से ही पढ़ेंगे। ओके, पढ़ेंगे। जहाँ से हमने छोड़ा था ना, उसके आगे से ही पढ़ेंगे आज। यस मैम। ओके, तो देखो मेरे को एक बार बता दो आप, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था लास्ट टाइम? हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था बताओ, बोलो। बताओ मेरे को, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, कहाँ छोड़ा था हमने? बोलो। मेरे ख्याल से मैंने आपको एक्टिव पैसिव का वो चार्ट पूरा कंप्लीट समझा दिया था। यस मैम, चार्ट कंप्लीट हो गया था। चार्ट कंप्लीट हो गया था ना फ्यूचर तक? यस मैम। आप देखो, तो आगे देखो कि जो भी हमने एक्टिव से पैसिव में आपका टॉपिक है एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने जो भी सेंटेंस चेंज किए थे वो अफर्मेटिव सेंटेंस थे आपके। कौन से सेंटेंस थे? अफर्मेटिव, यानी हमने साधारण वाक्यों को चेंज किया था। इनको चेंज किया था साधारण वाक्य, साधारण वाक्य सेंटेंसेस को। ओके, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? साधारण वाक्य। मालूम है सबको? मालूम है ना? अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करना बताया था। मैं एक सेंटेंस देती हूँ, आप बताना मेरे को चेंज कर सकते हो क्या? ही शी ईट्स, शी ईट्स टू मैंगोज। कैसे चेंज करोगे इसको? चेंज करो एक्टिव वॉइस में इसको, पैसिव वॉइस में करो इसको, चेंज करो। चलो चेंज करो इसको। टू मैंगोज आर ईटन बाय हर। हर क्या? टू मैंगोज। शी क्या है? सब्जेक्ट। एक सेकेंड सुनो मेरी बात। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नेगेटिविटी नहीं होती है, जो जिसमें नॉट का यूज नहीं होता है, यानी साधारण वाक्य को हमने चेंज करना सीखा था। यस yes? सही बोल रही हूँ ना मैं? सीखा था ना? यस मैम। हाँ, तो शी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। शी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। इट्स क्या है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब। टू मैंगोस क्या है? ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया? यस मैम। टू मैंगोस को क्या बना दूं यहाँ पे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। यस मैम। ये क्या है, कौन सा टेंस है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या है? एस या यस है ना? Yes, yes, ma'am. Ma'am. क्या चेंज करेंगे हम इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में? इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये चेंज करेंगे ना? तो टू मैंगोज इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे? आर। आर। टू मैंगोज आर ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। Eaten by Shika, किसमें चेंज करेंगे? Shika by him। हर।
हर 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 अगली बात समझ गए? यस मैम। टू मैंगोज आर इटन बाय हर, ये तो थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। चाहे वो किसी भी टेंस में हो, उसमें नॉट नहीं होगा ना, ना ही क्वेश्चन मार्क होगा, वो आपके कौन से सेंटेंस होंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे। बात समझ आ गई क्या आपको? ये बताओ पहले तो मेरे को। यस मैम। यस मैम। अब उसके बाद देखो सेकेंड आपका सेंटेंस कौन सा? नेगेटिव। कौन से सेंटेंस को चेंज करेंगे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में? अब बताओ मेरे को कौन से अफर्मेटिव हो गया फर्स्ट, सेकेंड हम करेंगे एक्टिव से पैसिव में चेंज नेगेटिव सेंटेंस को। किसको करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस को। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। हिंदी मीडियम ध्यान से देख लेना तुम लोग, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। तो देखो नकारात्मक वाक्य सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको क्या बताया था? डू और डज। डू और डज कब यूज होता है? नेगेटिव सेंटेंस के साथ में, नेगेटिव सेंटेंस के साथ में और इंट्रोगेटिव के साथ में, राइट? नेगेटिव सेंटेंस के साथ में होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में होता है ना? यस मैम। नेगेटिव के साथ में और इंट्रोगेटिव के साथ में होता है ना? डू और डज। यस मैम। इसका पैटर्न क्या होता है? डू डज कब? डू डज प्लस नॉट नेगेटिव में, ठीक है ना? डू डज प्लस में नॉट नेगेटिव में। तो देखना इसका पैटर्न क्या होता है वो समझो एक बार। सबसे पहले आपको नेगेटिव सेंटेंस में कैसे मिलेगा सेंटेंस? सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट मिलेगा। यस मैम। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको नॉट, मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे मिलेगा ना सेंटेंस? यस मैम। एक्टिव वॉइस में। अभी पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे फिर इसको? पहले पैटर्न देखते हैं फिर आपको सेंटेंस लिख के मैं समझाऊंगी अच्छे से कि आपको कैसे चेंज करना है, ठीक है? एक्टिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न मिलेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डू डज में से मिलेगी, नॉट, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हम चेंज कैसे करेंगे? फर्स्ट रूल क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, रूल नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू एक्टिव और पैसिव टेंस के जो रूल्स है ना उसके अकॉर्डिंग बनाना, सब्जेक्ट की जगह की जगह क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना? यस मैम। सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस helping verb plus not plus not plus main verb की third form, फिर जो subject होगा वो object, उससे पहले क्या आएगा? by, फिर जो subject होगा वो object की जगह आ जाएगा। आ गई बात समझ में? ऐसे आएगा ना, सबसे पहले object, फिर helping verb, फिर not, फिर main verb की third form by plus में सब्जेक्ट। समझ आ रहा है? अब देखो आप सेंटेंस देखो, ये तो पैसिव वॉइस में था, ये एक्टिव वॉइस में। सेंटेंस देखो, ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर। अब देखो यहाँ पे डज का यूज हो गया ना, ये प्रेजेंट सिंपल है बेटा। कौन सा टेंस आपका? ये प्रेजेंट सिंपल है। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ प्रेजेंट सिंपल में रूल क्या बोलता है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस होना चाहिए, किसके साथ में? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। बट यहाँ पे डज का यूज कर दिया ना हमने, किसके साथ में किया है डज का यूज? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। एक चीज और सुन लो, डू का यूज होता है प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ में और डज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में।
मालूम है सबको? डू का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में और डस का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ पे देखो डू का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में और डस का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में? सिंगुलर के साथ में। बात समझ में आ गई इतनी? डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, डस का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अब देखो ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर। यहाँ पे ही यूज हुआ है, यहाँ पे इसीलिए डस का यूज हुआ है। जब भी डू डस का यूज हो जाता है तो आगे फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये मैंने आपको टेंस में बता दिया था। यस यस मैम, बता दिया था ना। आयुष शर्मा, योगेंद्र, आयुष बोलो, अंजलि, मोनिका, मोनिका शर्मा। यस मैम, यस मैम, यस मैम। अब बोलते क्यों नहीं हो क्लास एट मैम? यस मैम। अब देखो आगे हम इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है इस सेंटेंस को। सबसे पहले मेरे को बताओ ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। तो देखो इसको इसके अकॉर्डिंग मिला है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज हेल्पिंग वर्ब मिली है, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब मिली है, फिर ऑब्जेक्ट मिला है। बात समझ में आ रही है ना? अब इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह किसको लाएंगे? ऑब्जेक्ट को। तो ए लेटर को, ए लेटर। आगे दिखाई दो अंदर मैं तेरा ए लेटर डोज। एक मिनट रुको, थोड़ा सा साइड में लिख देती हूँ, अब देगा दिखाई। ए लेटर अब दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिख रहा अभी भी? नहीं दिख रहा अब? दिख रहा है। ए लेटर अब बताओ इस एमआर में से अब जाएगा, क्योंकि डू डज होती है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। इस एमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना? यस मैम। लेटर के साथ में क्या आएगा? Written by him. का किसमें चेंज हो गया? him में। तो समझ में आया अच्छे से? Yes, ma'am. एक सेंटेंस में देती हूँ तुम्हें, वो चेंज करना। They do not eat some mangoes. चेंज करो इसको, इस सेंटेंस को चेंज करना है। चेंज करो, चलो सम मैंगोज आर ईटन बाय देम। डू नॉट ईट सम मैंगोज। सम मैंगोज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। मैंगो सबसे पहले क्या आएगा? सम मैंगोस। फिर सम मैंगोस आर 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 आर
आर क्यों थ्योरी क्यों आएगी बताओ क्यों आएगी रीजन बताओ इसका क्यों आएगी आर रीजन बताओ बोलो रीजन आर क्यों बता रहे हो इस क्यों नहीं बता रहे हो प्लूरल प्यूलर है इसलिए हाँ प्लूरल है और रूल क्या बोलता है हमारा कि जहां भी डू डज हो वहां इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे सम सुटेबल क्या है हेल्पिंग वर्ब सुटेबल क्या है आर यानी क्या आना चाहिए यहाँ पे आर आना सम मैंगोज आर आगे आगे बात समझ में यस मैम चेंज कर लोगे ना तो आप मैं बता देती हूँ कि जो नेगेटिव सेंटेंस चेंज करने एक्टिव से पैसिव वॉइस में वो प्रेजेंट सिंपल में तो डू डज से साथ में आपको नोट मिलेगा और एक मिलेगा पास सिंपल में दो ही करवा रही हूँ इसके अंदर और तो बाकी तो वैसा का वैसा नोट आ जाएगा बस दो में ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मिलती है इसमें साथ में अलग से और पास सिंपल में क्या मिलता है डिड मिलता है ना डिड मिलता है ना डिड यस मैम तो देखो सेकंड वाला था नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पॉइंट तो था अपना प्रेजेंट सिंपल का सेकेंड पॉइंट था अपना पास सिंपल का कौन सा है पास सिंपल पास सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डिड होती है ना प्लस में हमें नेगेटिव सेंटेंस में मिलेगा नॉट क्या मिलेगा नॉट आगे बात समझ में यस मैम बताओ यस मैम यस मैम सिंपल में डिड प्लस में नॉट यस मैम अब देखो उसके बाद इसमें पैटर्न आपको कैसे यही पैटर्न है इसमें भी पैटर्न लिख लेना एक्टिव का क्या मिलेगा सबसे पहले आपको सब्जेक्ट फिर क्या मिलेगी आपको हेल्पिंग वर्ब यानी डिड हेल्पिंग वर्ब फिर क्या मिलेगा नॉट फिर मैन वर्ब नॉट के बाद मैन वर्ब मैन वर्ब बताओ मैन वर्ब फिर मैन वर्ब दिस ऑब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर क्या मिलेगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कैसे चेंज करेंगे इसको पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस का पैटर्न बताओ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब अपने आप को और ये कौन बोल रहे हैं हाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब बाय प्लस में सब्जेक्ट अब देखो सेंटेंस बनाते हैं yes, ma'am. और एग्जांपल देखना इसका एग्जाम्पल ठीक है he did not write a letter ये सेंटेंस आपका इसको चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में कैसे करेंगे सबसे पहले ये क्या है बताओ मेरे को सब्जेक्ट सब्जेक्ट डिड क्या है Helping verb. Not क्या है? Negative sense. Right क्या है? Main verb. A letter.
ऑब्जेक्ट मैंने की यस मैम बनाएंगे हम सब्जेक्ट ए लेटर अब क्या यूज करेंगे क्या आएगा ए लेटर के अकॉर्डिंग ए लेटर इज नॉट रिटन ए लेटर इज बात वापस शुरू हुई इसको बिल्कुल भी नहीं आएगा बताओ मेरे को रूल क्या कहता है जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस या वाज हेल्पिंग वर्ब डिड हो तो क्या आता है पैसिव वॉइस में क्या रूल है वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में डिड होता है तो क्या रूल है अपना एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करने का वॉज वर रही है क्या वॉज वॉज थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म की सेकंड फॉर्म मिलेगी या डिड तुम्हें मिलेगा एक्टिव सेंटेंस में तो पैसिव में हम वहां पे हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे थर्ड फॉर्म तो ए लेटर यहां पे डिड है तो वही रूल फॉलो होगा रूल नंबर पास सिंपल वाला कौन सा पास सिंपल वाला ही रूल फॉलो होगा यानी यहां पे क्या आएगा ए लेटर के साथ ए लेटर सिंगुलर है प्लूरल है क्या सिंगुलर क्या है सिंगुलर Yes. क्या आएगा यहाँ पे वॉज नॉट रिटर्न वाई रिटर्न रिटर्न बाय रिटर्न बाय हिम बाय बाय ही का किस में चेंज कर देंगे हिम है अगली बात समझ में तो ए लेटर वॉज नॉट रिटर्न बाय him ये दो ही टेंस थे जिसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस बताने थे अब किसी को ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि मैडम ने इन दो टेंस के कैसे बताए और बाकी इतने सारे टेंस है उनके तो नहीं बताए है किसी को ऐसी कंफ्यूजन है क्या ओ मैम नो मैम क्यों क्यों नहीं है तो आपको समझ आ गया इसका मतलब अब जैसे मैं एक सेंटेंस देती हूँ तुम्हें तुम चेंज करना उसको ठीक है he has not written a letter ये चेंज करो इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करो इसको चलो इस सेंटेंस को चेंज करके दिखाओ चेंज करो इस सेंटेंस को चलो चेंज करो ही हैज नॉट रिटन ए लेटर चेंज करो इसको चेंज करो लेटर हाँ चेंज करो इसको सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ये लेटर सेंटेंस है कौन सा लेटर ये सेंटेंस लेटर परफेक्ट का किसका दिया है प्रेजेंट परफेक्ट का और वो किसमें दिया है नेगेटिव सेंटेंस दिया है हमने बनाया नहीं था ही हैज नॉट रिटन ए लेटर वह पत्र नहीं लिख चुका है कैसे चेंज करेंगे हम इसे को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बोलो ए लेटर बस आपको यही ध्यान रखना है ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय ही रूल सुनो मेरी बात ध्यान से सारे रूल आपके वो के वो रहेंगे उनमें कोई भी चेंजमेंट कुछ भी नहीं होगा बस एक ही चेंज होगा वो क्या होगा पता है यहाँ पे क्या है नॉट जहाँ भी था उसे वही रखना है उसे चेंज नहीं करना उसका प्लेस चेंज नहीं करना है हमें उसका प्लेस चेंज नहीं करना है ये जहाँ भी है इसे वही रखना है ठीक है बात समझ में आई Yes, ma'am. ये not yes, ma'am. Has के बाद में not है. Has के बाद में not है ना? बताओ मेरे को. Has के बाद not है ना? Yes, ma'am. Has के बाद में not है ना तो has के बाद में ही not रखना है आपको. Okay? Has के बाद में है तो has के बाद में ही not रखना है. He has not written a letter. तो कैसे change करेंगे? सबसे पहले subject क्या है? He. Has क्या है? Helping word. Negative. Negative sense. Written क्या है?
मेन वर्ब मेन वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट 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 को क्या बनाना है हमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना है सब्जेक्ट बनाना है तो देखो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सबसे पहले क्या आएगा ए लेटर ए लेटर ए लेटर हैज नॉट हैज नॉट नहीं होगा ना नो मैम मैंने क्या बताया था सिंगुलर के साथ में हैज प्लूरल के साथ में हैव तो ए लेटर के साथ में क्या आएगा हैज हैज नॉट का नॉट हैज नॉट तो जब भी नॉट नेगेटिव सेंस के सेंटेंस होंगे नॉट जहां भी होगा उसे वहीं रखना है उसकी प्लेस चेंज नहीं करनी आपको उसकी जगह आपको मैम प्लीज साइड पता चल गया ना आपको उसकी जगह नहीं बदलनी यस मैम तो देखो ए लेटर हैज नॉट रिटर्न आपको मैंने बताया था जब भी हैज आर मिलता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म से पैसिव थर्ड फॉर्म से चेंज करनी है क्या किसी फॉर्म में नो मैम नो मैम नो मैम बिकॉज़ एक्टिव पैसिव का रूल नंबर थर्ड हमसे क्या कहता है कि हमेशा ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म लेटर हैज नॉट रिटर्न रिटर्न इल रिटर्न बाय रिटर्न बाय हिम बाय हिम By him. हाँ, a letter has not written by him. आगे बात समझ में? Yes, ma'am. एक sentence और सुनो, देखो, एक sentence. Ma'am, been भी तो आएगा head note के बाद में. क्या? Ma'am, been भी तो आएगा note के बाद में. Demands. Note के बाद में been भी आएगा ना ma'am? बोलो नोट के बाद में बीन भी आएगा ना मॉडल नोट के बाद में बीन भी आएगा ना नोट के बाद में क्या बीन बीन आएगा ना मैम बीन यस बीन आएगा यहाँ बीन आएगा ये बात सही है ठीक है वेरी गुड आपने ध्यान दिया ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय रूल तो वो रहेगा आपको पता है ना हैज हैव होता है तो हम क्या करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में हैज हैव प्लस बी डब्ल्यू एन बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो नॉट का स्थान नहीं चेंज करना नॉट तो वहीं पे रहेगा हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम आगे बात समझ में मैं एक सेंटेंस देती हूँ तुम्हें ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट देखो सेंटेंस चेंज करना है इसको इसको चेंज करना तो he was not going to market चेंज करो इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करो चलो Two mangoes have. सबसे पहले क्या आएगा? Two mangoes. Two mangoes कहाँ है two mangoes? Two market. इसमें preposition है आपको two market. He was not eating. Two mangoes ये कर लो चलो. Okay. चलो ये चेंज करो ही वॉज नॉट ईटिंग टू मैंगोज सबसे पहले बताओ सब्जेक्ट क्या है मेरे को ही वर्ब नेगेटिव सेंस ईटिंग मैंगोज आगे
देखो रूल क्या है अपना, जब भी वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मिलता है तो एक्टिव से पैसिव में क्या रूल है? वाज वर प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्या रूल है? वाज वर बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. बीन एनजी बीइंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म यहां पे देखो वर्ब क्या है? वर्ब क्योंकि ये क्या है प्लूरल है ना, इसलिए आगे नॉट बीइंग नॉट बीइंग नॉट बीइंग नॉट बीइंग. एट की थर्ड फॉर्म रिटर्न रिटर्न बाय हिम समझ आ रहा है ना? Two mangoes were not being eaten by him. अगली बात समझ रहे हैं? अब मैं आपको सेंटेंस देती हूँ होमवर्क के लिए दो तीन, ठीक है? होमवर्क के लिए सेंटेंस देखो आप, तीन चार सेंटेंस ले लो. फर्स्ट है हाँ जी बोलो. He has not played cricket. अगला आपको घर से बनाने हैं सेंटेंस, ठीक है? She is singing a song.